सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। प्रयास पशुपालक किसान साथियों को जब भी अपने वीडियोस में पशुधन दिखाएं या कोई भी जानकारी दें तो अच्छी जानकारी दें, अच्छा पशु दिखाएँ, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है सोशल मीडिया पर ऐसे जुड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया से सिर्फ जानकारी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सेल परचेज का काम करते हैं और बहुत भाई हमारे आम पशुपालक हैं वो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। उनके लिए भी समय समय पे सभी तरह की जानकारियां हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो आज की वीडियो जितने भी मेरे किसान साथी पहली बार देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें। तो आज मैं कहूँगा एक आम पशुपालक जो बोलते हैं उनके यहाँ से कवरेज है, लेकिन आम पशुपालक ने जो खास काम आप पशुपालकों को करके दिखाया है वो ये कि अपने घर की होम ब्रीड पे जो है काम करके कितना शानदार बुल तैयार किया है, जिसने इस पशुपालक भाई का बहुत नाम किया है। और मैं कहूँगा एक गांव के अंदर रह के ऐसे पशु तैयार करते हैं तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि जैसे मेहनत करते हैं तो ये तो भाई कटड़ी तैयार करता है इसकी जगह पे तो वो दूध देती ये देती, लेकिन इस कटड़े ने भाई को बहुत नाम दिया और जो है आज कोई आम बुल नहीं, सामने आप देख पा रहे हैं रुद्रा बुल गांव बागपुर से जो नेशनल चैंपियन रह चुका है। और अभी जो है आगे की क्या तैयारी है सीमन वगैरह की जानकारी देंगे। पहली वीडियो अपने चैनल पर आ रही है मंजीत भाई के यहाँ से गाँव बागपुर डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से। तो सबसे पहले आपको मिलवाना चाहेंगे, फिर जानकारी इस बुल के बारे में भाई से लेंगे। नमस्कार मंजीत भाई। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आप अपने डेयरी फार्म पर। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैं उस टाइम पे पहुंच नहीं पाया इसके लिए सॉरी, और आपको बधाई जो एक बुल ने आपका इतना नाम किया। आज इसका कम्प्लीट जो एक डाटा है वो पशुपालकों के सामने आप पेश करेंगे। तो एक बार बताएं आप इसकी कितनी एज हो चुकी है भाई साहब? अब ये छह दांत है, दांत के हिसाब से देखो तो छह दांत, और उम्र के हिसाब से अगर देखो तो 3.5 साल। 3.5 साल का छठे दांत तोड़े ही अभी है। हाँ, तो इससे पहले मान लो 2 दांत 4 दांत में आपने कहाँ कहाँ इसको कंपटीशन लड़ाए हैं? मेरा तो भाई साहब इसका ये लगा लो अब छठा मेला था इसका मुजफ्फरनगर। अच्छा, ये यहाँ पे तो मोहल्ला सातवां मेला था और पोजिशन आई थी भिवानी तो कॉन्सुलेशन में रहा था। हाँ, और मुजफ्फरनगर फर्स्ट रहा था ये ऑल इंडिया में 2 और 4 दांत कैटेगरी में। मुजफ्फरनगर में फर्स्ट रहा था 2 और 4 में, जो केंद्र सरकार ने करवा रखी, नेशनल चैंपियन बना वही बना था। तो ये आपने मान लो 5-6 मेले लड़े हैं जो सही, 6 मेलों में से कितने मेलों में इसने मान लो चाहे कैंसुलेशन हो 2 मेले? तो वो तो सरकारी मेला था ना जो मुजफ्फरनगर वाला, भिवानी भी सरकारी था वो भी सरकारी था। जी जी, तो नेशनल चैंपियन बुल हुआ है, उसके बाद आपने सीमन वगैरह की तैयारी भी की होगी? हाँ, सीमन भी अब तो मार्केट में भी आ रहे हैं अपने सीमन, अपने रोहतक झज्जर हिसार सोनीपत नंदरगढ़ रेवाड़ी जिले में अपने सीमन। जी जी, अभी थोड़े ही टाइम से, कितने टाइम से सीमन का काम करने लगे हो? 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। तो एक बार इसकी मदर साइड में और बताएं, इसकी माँ ने कितना दूध निकाल रखा है? 20 किलो 600 ग्राम है दूध इसकी माँ का, लेकिन गलती ये थी भैया आम आदमी ने पता नहीं था इन चीज़ों का, अगर जाके ये चीज़ भी काम आऊँ या मेरे को करवाया। अच्छा, ईद तो हमें पता चल गया तो दूसरी भैंस का अपनी का लाई मिल्किंग करवाई। मेरी बात हुई थी, आपने ये कहा भाई पहले गलती कर चुके हैं, पहले रिकॉर्ड करवाई या नहीं। फिर एक चीज़ और भी थी भाई, बहुत गैप दूध का भी हो गया था, भाई का भी ये मन हुआ कि 20 किलो दूध 21 किलो दूध वाली भैंस का क्या दूध दिखाना है, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़े बड़े दूध पे ऊंचे ऊंचे रिकॉर्ड बना रही थी, लेकिन अपना दौरा जो चीज हो मानस नवा दिखानी चाहिए। हम तो 20 ने भी बहुत गणा मानना, आम आदमी घर में 20 किलो दे दे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तब मानने लगे 5-4 मेले होने के बाद लोग मानने लगे, नहीं तो ये होता था हमारे घर 21 किलो की है बोला क्या दिखाना है, दूसरी साइड से 28-30 किलो की लाइव चले, शर्म आने लग गई थी। तो देखिये 20 किलो 600 ग्राम इसकी मदर का जो मिल्क भाई के घर पे रहा है, और कोई भाई ये नहीं कि अकेला बुल दिखा रहे हैं भाई के, काफी वीडियो वायरल हुई थी। हाँ, इसकी कितनी एज थी तब इसकी? जब 11 महीने थी भाई। 11 महीने की, तो उसमें इसकी माँ भी साथ है ना? हाँ, माँ भी साथ है, विराज डेयरी एंड फार्मिंग पर वीडियो है सबसे ज्यादा, वो मेरी नाम में चली थी उस चैनल पे अपनी वीडियो सबसे ज्यादा। जी जी, और उस टाइम पे बहुत पैसे भी इस बुल के स्टार्टिंग में छोटे के ही बहुत ज्यादा लग गए थे,
तो बोल रहे थे कई भाइयों ने तो ये भी बोला मंजीत को कि बेच दो, ये मौका है, लेकिन भाई ने जो है इस चीज़ को पहचान के और आप भाइयों के समक्ष जो है तैयार करके नेशनल चैंपियन बन चुका है। ऐसे ऐसे बुल भी हैं जो एक बार नेशनल चैंपियन बनने के बाद मेरे हिसाब से भविष्य में कभी मेले ही नहीं लड़े उन्होंने, क्योंकि समझदार आदमी थे, ब्रीडर थे, उन्होंने ये सोच लिया कि आज अगर बुल जीतता है तो इसके बाद अगर लेके जाएंगे तो कहीं हार भी जाएगा, तो इससे अच्छा नेशनल चैंपियन ही रहे। तो आज आपसे विचार हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी भी ये तैयारी है, एक बार नेशनल चैंपियन बन गया अभी छुट्टी कर देते हैं, सीमन सीमन का काम करें। देखो एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छी चीज है। हाँ हाँ भाई, ओरा का भी नंबर आना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन एक मेला जीत कर फिर करना बैठ जाए तो उसने लोग भूल भी जा, मजबूरी भी है जाना। हाँ नहीं, उसमें ये फर्क आ गया ना, सीमन जिसको बेचना है हाँ। वो तो एक बार नेशनल चैंपियन बन गया तो दोबारा क्या पता भाई, आपने एक कैंसुलेशन भी इसी ने लिया और नेशनल चैंपियन भी ये बना, तो हो सकता है आगे भाई आरा जीती तो हाँ। लेकिन सर भैया भैया बात लागू होगी, भैया अपना घर में रख लो, एक बार जीतने के बाद हम भी रख लें, कोई बात को नहीं। बिल्कुल, तो हार जीत का कोई डर नहीं ना, हार जीत का डर ना होता फिर हार जीत का डर होता फिर जाऊंगा। जी जी, तो वैसे तो आपका गांव काफी मशहूर हो गया सोशल मीडिया पे, और भी भाइयों ने जो है अच्छे बुल तैयार किए हैं, आप पीछे भाई के बुल को देख के करमवीर भाई हैं, रामवीर भाई, ये भी जागरूक हुए और करमवीर भाई का, इन दोनों के बुल जीते थे ना, दोनों के जीते थे डीएफए में, का सेकंड आया था अनमोल नाम है जोटा का, और रामवीर वाला थर्ड आया था। जी, तो करमवीर भाई यहीं एक बार आ जाओ, इसी वीडियो में जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिए करमवीर भाई पहले भी वीडियो में आ चुके हैं, राम राम जी भाई। तो अपने बुल कितने मेले लड़ाए हैं आपने आप वाले के? ना भाई साहब तीन लड़ाए हैं। तीन मेले, तो कितने में बाजी लगी आज? भाई एक में तो कंसुलेशन में रहा था, कंसुलेशन जीत होती है पहला मेला, मैं मानता हूँ कंसुलेशन शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, और फिर कुरुक्षेत्र डीएफए में लेके गए। हाँ हाँ, पूरे सेकंड आया था। जी जी, वहाँ थोड़ी आपकी नोक झोंक भी हुई थी, वहाँ सिफारिशी थोड़ी बात हो गई थी, भाई ने बोल भी वहीं दिया था कि पहले जज ने भाई वाले को पहले कर दिया था, पहले था मेरा, फिर बाद में दूसरा, बाद में थोड़ी बातचीत करके वो फिर दूसरे नंबर पर, दूसरे से भी संतुष्ट है आप? हां संतुष्ट है भाई। कितने दांत हो गए आप वाला? खीरा है भाई, खीरा ही है अभी, अदंत में ही है। तो ये बुल पालने का जो विचार कैसे आया मंजीत भाई को देख के या पहले? मंजीत ने देख कहा था, ये जानकारी दी थी, देखा भाई बढ़िया कारड़ा पर पाड़ के, फिर मन्ने भी अपनी शुरुआत कर ली और अपना बढ़िया तैयार हो रहे। पहले एक था मंजीत बागपुर से जाने वाला मेले में, अब दो तीन हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो अब की बार तो ये मान लो बागपुर का अलग ही टेंट लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए जी जागरूक पशुपालक हैं और जो है बहुत अच्छी जो तैयारी इस बुल की हुई है, सीमन भी भाई ने बताए हैं, अभी आए ही हैं मार्केट में, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ कहाँ सीमन हो। जी, तो पहले अपने घर पर रिजल्ट लिए हैं, बाद में मार्केट में लेगा। जी जी, तो फादर साइड कौन सी होगी? अर्जुन कुमार, अर्जुन का। तो इसकी जो मदर जो अगर कोई देखना चाहता हो तो विराज डेयरी वाले चैनल पे जाए, वैसे कई भाई ये सोचते हैं कि दूसरे चैनल का नाम ले मसूरी, अपने को कोई दिक्कत नहीं, बांध लो इसको एक बार, इस कटड़े के जो यहीं बांध दो चाहे यहाँ बांध, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मन करे। तो एक बार आप इसको बुल के जो है बच्चे जो है वो भी दिखा देते हैं, सबसे अच्छी पहल या तो आज मंजीत बागपुर ने की है या फिर राजेंद्र गंगवा ने की है, दो ही आदमी ऐसे हैं, नहीं तो अब तक मेरे हिसाब से हरियाणा में जितने भी बुल पालक हैं उन्होंने उनकी भैंसों ने सिर्फ एक एक कटड़े ही दिए, बाद में बच्चे देने बंद कर दिए, क्योंकि कटड़े सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रयास इस बुल की रुद्रा बुल की कटड़ी है वो है भाई के पास। कितना टाइम की हो चुकी है अभी? ये 5 महीने की भाई साहब, 5 महीने की पैदा होती है, वीडियो डाल दी थी उम्र में भी, कोई झूठ नहीं, दोनों की वीडियो डाल रखी है, दोनों ही इसी की कटड़ी है, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन की वीडियो, ये वाली भी इसी की है, ये 4 महीने की है जी। तो देखिए जी कलर बच्चे का इस टाइम में दूध का कलर ऐसा ही होता है, जैसे अभी बाल उतारेगी ना उसके बाद बिल्कुल ब्लैक आएगा। इस कटड़ी की आप क्वालिटी देख लीजिए जी, इसका फेस बिल्कुल छोटा, लंबाई गर्दन में मतलब एक अलग ही लंबाई ऊंचाई जो इसकी लेंथ है वो अलग ही तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और दोनों कटड़ियाँ एक साथ आप देखिए सेम डिट्टो कॉपी निकाल रखी है, तैयार होना ये भी हो जाती है पर थोड़ा जमींदार काम साथ के साथ इसका जी जी, इसका थोड़ा इधर बोलो, इसकी थन दिखाएंगे कटड़ी के साइड, ये देखो जी कटड़ी जो है तैयारी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी ये खेती बाड़ी का काम है भाई का। सींग देखिए जी सेम ये बुल जैसे सींग बनाएगी, तो एक बार दिखा देते हैं, वीडियो लंबा जरूर होगा, ये देखो जी
टीच की जो स्पेसिंग है बहुत ही अच्छी है, और इधर इस कटड़ी को और दिखा देते हैं। ये आज इसलिए मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, भविष्य में एक बार मंजीत से फिर मुलाकात होगी मेरी और उस टाइम मैं ये कटड़ियाँ दूध पे दिखाऊंगा। ये देखो जी, सेम वो के वो स्पेस इस कटड़ी में, और लगभग मान के चलिए टैल भी नीचे से 2.5 इंच वाइट होगी। ये है भाई, ये देखो जी बाल हैं बाकी तो बस बस। तो सीमन कहाँ जो उपलब्ध, जब आप नज़दीक के एरिए में कोई घर आके भी लेना चाहे तो रेट वगैरह क्या रख रखा है सीमन का? भाई साहब रेट तो देखो डॉक्टर के लिए अपने पास 150 रुपए, 150 रुपए ना ज्यादा ना कम नहीं हो इतना कम भाई, पड़ता पड़ जाए। और अवेलेबल का ऐसा है कोई भाई ऑर्डर करते तो हम तो दे भी जमींदार आदमी है भाई ना, हमारे 2 रुपए इतने बड़े सप्लायर हम तो भेज दे। हाँ जी जी, डॉक्टर का फोन आ जाए या घर पर भी आ जाए, नजदीक के हो तो घर पर भी आ जाए। पता है क्या हो गया, ये जो बुल है ना ये किसी सोशल मीडिया वाले के पास हो ना तो इसकी मशहूरी फुल है इसका। हम तो वीडियो हफ्ता 10 दिन अपना एक वीडियो घेर दी फिर जमींदार हम बढ़ जाए। हाँ बुल पालक नाराज हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भाइयों ने इतने कट्टू बुल हैं उनको फेमस कर दिया और उनके सीमन लग रहे हैं उनका रिजल्ट कुछ नहीं मिलना। अच्छे बुल हैं वो, जैसे आपके पास सोशल मीडिया का कोई जरिया नहीं, सुबह से शाम तक खेत का काम, फिर मसूरी कहाँ से होगी। तो 150 रुपये डॉक्टर का रखा है, और वैसे अगर किसान ले तो भाई किसान ले एक दो ले है उस खतरे 200 रुपये, ज्यादा ले तो फिर कम, ज्यादा ले तो देखो एक चीज चलती रहो भाई, भाई डॉक्टर से तो हर बार काम पड़ेगा, उधर हर बार यूज करेगा, बिल्कुल ज्यादा लेगा जमींदार ले जाओ ज्यादा मैं उसने दे दूंगा इस रेट में। जी तो देखिए जी कटड़ियों की बहुत ही अच्छी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, धनोला मेला था वहां से पंजाब में भी सप्लाई हुए थे, पंजाब में भी हुई थी। तो अपना मोबाइल नंबर बताओ एक बार, 86 83 86 83 00 00 20 14 20 14। तो पिछले गेड़े जब पहुंचे आपके पास तो ये बुल है कमजोर था भाई, ये बीमार हो गया था, बीमार हो गया था पिछली बार तो आया ना, जब ये जैसे पीठ है ना इसकी हड्डी है ना वो दिख रही थी बिल्कुल, ये लगा लो 3 क्विंटल वजन तोड़ गया था। जी जी, फेफड़ा में इन्फेक्शन हो गया था और लीवर भी डैमेज हो गया था। जी तो फिर कैसे तैयारी की वापिस, अब तो वेट बढ़ा हुआ है इसका भाई, डॉक्टर के पास भी गया ब्लड सैंपल लेके गया, आपने सलाह दी थी भाई ब्लड सैंपल करवा ले, और उसके बाद योगेश पंसारी था अपना संपर्क हुआ जी, आपने करवाया था वो करवाई हुआ बाद भी जी जी, फिर उसके बाद भाई ने ये चीज दी थी भाई, तो इनसे ये लगा लो अपना 2 क्विंटल वजन अब कवर कर गया अपना जी। कौन कौन सी चीजें दिखाई आपने? ये देखो जी चॉकलेट जेल जी, ये देखो जी ये तो दूध में मिला के देता हूँ जी जी, और भाई ये लस्सी में मिला के जी जी, ये देखिए ग्रोथ जो पाउडर है वो लस्सी में मिला के जो छाछ होती है उसमें, और लीवर के लिए पेट वगैरह की समस्या हो पशु ने लीवर की दिक्कत जो थी है कम था तो ये चीज है। देखिए पशु स्वास्थ्य के नाम से जो फाकी है ये प्रोडक्ट जो है भाई ने यूज भी किए हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया, और मैं कहूँगा इसमें मंजीत बागपुर और मंजीत यादव की ना मान के आप यूज करके देखना, फिर रिजल्ट आए तो मानना, पहले यूज करो भाई बाद में बिल्कुल। तो देखिए जी ये जो बुल है सामने, अभी अगले कंपटीशन की तैयारी कहाँ की है भाई? महेंद्रगढ़ जावा नजदीक, महेंद्रगढ़ है पंजाब वाला तो देखो दूर भी है, और फिर अपना नजदीक जो हुसन जावा, एक साथ मेला हो गया ना, एक साथ हो गए गैप होता तो वहाँ भी तैयार जी, भारत में कितने वे पता चल जाएगा तो जावांगे हम, इस चीज हार जीत अंडर नहीं मानते। तो देखो जी एक बुल के कारण इनका नाम हुआ, इनके गांव का नाम हुआ, और साथ में करमवीर हो गया रामवीर हो गया, ये भाई जागरूक है, और अब की बार तो 10 बुलों की तैयारी है। देखो और तो कितने का मैंने पता नहीं भाई, कौन कित कित के देखते एक बड़ी तोगली बैठे कौन कित कित जीते, लेकिन झज्जर जिला का मेरे नॉलेज में जहां तक है पहला ऑल इंडिया चैंपियन, 2 दांत 4 दांत बिल्कुल बिल्कुल, और आगे वाला टाइम में देखो भाई कैमरा के बड़ी चीज लगड़का जो जिले का नहीं ऑल इंडिया चैंपियन है ना, ये पूरे देश का हो गया अब, बहुत हो गया लेकिन मेरा जिला में ऑल इंडिया चैंपियन, ऑल इंडिया चैंपियन भूल ही कब मिलेंगे, ये भी रेयर मिलेगा आप ये देख लेना। प्राइवेट वाले तो मिल जाएंगे, सरकारी वाले कम मिलेंगे प्राइवेट वाले हम तो घर की भाई काका लखनिया के में लगा, और साफ सुथरा मेला था वो, साफ सुथरा नहीं तो अगर वही मेला यहाँ कोई रिंग में किसी तरह की चुपचाप हो गया, बढ़िया काम था किसी ने कुछ नहीं, आपका भी लक अच्छा काम कर गया उस टाइम, 2 4 दांत में किसी के पास बड़े नाम वाले के पास वो थे क्यों नहीं थे, अच्छा वहां पर जाकर देखते तो फिर एक तरफा था, ये एक तरफा माहौल बना दिया जोटे ने भाई, वो तो चीज दी तो पब्लिक ने दिखाई बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जी कोई भी भाई कोच का भी जा रहा था नरेंद्र सेक्टरी का, देवेंद्र कोच का भी था, लेकिन देवेंद्र कोच का 6 दांत हो गया था उस टाइम, अच्छा उन्होंने रंग नहीं लड़ाया था जी जी, नरेंद्र सेक्टरी का था अपने साथ में, और भाई एक दौड़ते भी था जी,
वो जबरदस्ती लड़ाओ था उसका छह दांत हो गया था, लेकिन उसको बताया पाता जिस तरह दादरी था मेरा उसमें, तो उसका लड़ गया था वहां पर, हमने मना कर दिया था भाई करेगा तो हम आवाज उठाओगे। जी जी, तो इसे कंपटीशन में बहुत थे, तो एक लाजा या था एक लाजीत का। जी जी, तो देखिए जी, जो भी भाई सीमन लेना चाहता है महेंद्रगढ़ सीमन आप लेके जाओगे साथ? हाँ, महेंद्रगढ़ जाने के मेले में साथ लेके जाऊंगा, मेले में और कहीं। तो अभी आगे की जो तैयारी होगी, आगे से मंजीत भाई के बुल की फोटो के साथ पोस्ट किया जाएगा कि वहाँ पे बुल जा रहा है कोई सीमन लेना चाहता हो। और आज 30 किलो दूध जो है, 35 किलो 32 किलो आज आप मान सकते हैं कि वैसे जब दूध निकाल रही हैं तो अभी पशुपालकों को लगभग 20 दिन एक महीना पहले पता भी लग गया कि कैसे दूध जो चुवाई होती है। तो 20-600 वाला बुल भी माड़ा नहीं मानता मैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं बुलों ने जो हमारे हरियाणा में जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी तकदीर को बदल के रखा था। आज क्या बड़े बड़े ब्रीडर इतने नामी बुल इतने मोटे तगड़े तैयार करते हैं फिर भी प्रोजनी नहीं आ रही, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असली चीज है वो पीछे रहेगी। रोजनी के भी है भाई साहब, नहीं तो किसी के पास जाना ना कोई झूठा बता सकता। अब जिस दिन ये ब्याजेंगी उस दिन दूध भी इनका दिखावांगे, चाहे 12 किलो पाइए चाहे 16 पाइयो। जी जी, अब किसी घर में जाकर ना कमा किसी ने मेरी कह दे तू या मेरा, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत चलता है जी, झूठे बच्चे जो अच्छे दूध ब्याज जाए तो क्या कर रहे हैं इब नो देख ले। हाँ भाई, फलाना आदमी का ब्याह ये प्यार आदमी है उसके रहूगा ना पकड़ का जेवड़ा खड़ा हो जाए मेरा झोटा के कौन डीएनए कराओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक बात बताओ, जो 400 रुपए 200 रुपए का सीमन लेने में महंगा मानता है, डीएनए कौन करवा देगा? 4,000-5,000 रुपए डीएनए के लगते हैं, डीएनए के भी दो आने जाने का खर्चा भी होगा बंदे का भी। देखो अपना तो कोई व्यापारी ब्रीडर में तो उसने मानू जो अपना घर पर ब्रीड तैयार करा। बिल्कुल, भगवान का हाथ बात है भाई, कैसा रिजल्ट आओगा कैसा नहीं। मंजीत भाई, अच्छा होगा भी देखा बुरा होगा, आपकी जो बात है ना वो मैं खुद पे लागू कर रहा हूँ। मेरे घर भैंस है ना, मैं ब्रीडर नहीं मानता अपने आप, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन उससे कुछ पैदा करके दिखा दूंगा। ठीक, तो ये चीजें आपके बिल्कुल ओके हैं। तो ठीक है जी, जो भी भाई सीमन लेना चाहता है इधर गाँव से आए हुए हैं, इनसे भी विचार ले लेते हैं, क्योंकि देखो एक अगर गांव में कोई लड़का आईपीएस लग जाए ना तो सबसे पहला नाम तो गांव का ही होता है, फिर जिले का, फिर पूरे भारत का, हरियाणा का, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मिलवा देते हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार, आप बागपुर से ही हो? बागपुर से। तो मतलब क्या विचार है, इतना अच्छा कटड़ा आपके गांव में तैयार हुआ, मान लो बहुत सारे पशुपालक हैं जो बच्चे को तैयार नहीं करते बेच देते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है मंजीत भाई ने इतना अच्छा बुल तैयार किया? बढ़िया लग रहा है, हमारे गांव का नाम भी होया है जी, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा भाई और भाई भी पालो भाई, अच्छी नस्ल पे काम करो, असली नस्ल है, बढ़िया नस्ल है। आज जागरूकता हो रही है, आपके टाइम में पहले जब भैंसे तैयार करते थे तो वो भैंसे तो मान लो पहले तो कोई सीमन वगैरह का नहीं था, पंचायती झोटे की होती थी, पहले तो वही था, 16 किलो वाली भैंस थी ना वो, उनके बच्चे 20-20 किलो के आते थे, क्योंकि पहले कोई ना पूछता था, पहले पशु का वो देखते थे कि भाई इसकी माँ ने खरणा देख के गांव में छोड़ देते थे। जी जी, यो था और जी जी, ये भी मन जितना तैयार करा था हमारा गांव का ना, तो इसका बहुत फर्क पड़ गया। एक करमवीर भाई ने पाल लिया, एक रामवीर का पाल गए है, एक यो चांद सिंह यो पाल गए है, अच्छा कई झोटे हैं ये काटड़े हैं झोटे थे। जी जी, करमवीर का तो पूरा झोटा, ठीक है जी, ठीक है, अच्छा काम कर रखे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। आपने भी तैयारी कर ली झोटा पालने की? भाई कर रखी है, पर तार ही बात जाएगी तो देखो। तो ये मंजीत वाला कटड़ा है, आपका कितनी एज का कटड़ा हो गया आपके घर है वो? मेरा हो गया भाई ढाई एक साल का। तो इसका देख देख के साथ साथ में आपने भी कर दी तैयारी है? तो ये भी कहते होंगे लोग तो कि कटड़ी पालता दूध देती है, कटड़ा पाल लिया भाई, ये है पुराने पशुपालक हैं, ये तो पाल ही रहे ओड़े हैं। बिल्कुल, घर की कौन देख ले है सारी। तो करमवीर भाई, हाँ जी, आपने भी तैयार किया? हाँ, तैयार कर रखा है भाई साहब। अपनी जो कटड़ा है उसकी माँ का दूध कितना था? उसकी माँ का वाह बात आ गई मंजीत आली भाई फोन पर कवा, तो पहले डर सा भी लगा था भाई मारे का था थोड़ा, 2100 तोलिया था हमने, वह भी गांव में नई भैंस लगी थी तो तलवाया था। जी जी, हाँ। तो गांव के बैस में तो दूध धुल गया, तो वो तो हाँ। सत्यापित हो गया भाई, वो रिकॉर्ड मत ना चढ़ जाना, वो रिकॉर्ड तो गांव राम होता है, उससे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं। घना फेमस सा न्यू भी ना करे भाई, वो तेरे वाली बात से 37-37 किलो की 30-30 किलो की भैंस थी, मैं अब क्या बताऊं इसने,
और ना तो भाई मारी भैंस भी देखी होड़ी, हमारा तो वो पूरा का पूरा एक खरना है, और मंजीत की जो भैंस थी कटड़े की माँ थी वह भी हमारी देखी होड़ी है, पूरा दूध की भैंस थी वह भी न्यू गिनी चुनी भैंस हम आया करते जी जी। हाँ तो आज भी मंजीत भाई दो भैंस है अपने दूध की, दोनों 18-18, 20-20 किलो के, उसका नीचे भी 18 दूसरी है, 18 किलो दूध भी है और डेली का 1.5 किलो घी भी है। एक भैंस भाई के पास है, साथ ही दिखा देते हैं। मैं मंजीत भाई से मेरी बात हुई तो भाई ने क्या तैयारी की, बोला भैंस है वो पिछले रुद्रा की माँ वाली बात ना हो जाए, अब की बार दूध ही दिखा देते हैं। तो ये भैंस है जी वो जिसकी भाई ने मिल्किंग करवाई थी, एक बार मैं दिखा देता हूँ। कौन से ब्यांत में है मंजीत भाई? ये तीसरा, तीसरे ब्यांत में पुछड़ कट गई थी इसकी, दूसरी भैंस ने सिंगा मर जाकर पुछड़ तोड़ दी थी। हैं हैं, कितना दूध रिकॉर्ड करवाया था इसका लाइव में? 20.5 किलो। 20.5 किलो था तो उस टाइम पर 22 पर वो लाइव सुनकर भी 1 किलो तोड़ जाएंगे। लोग ऐसे वैसे झूठ भी बोल देते हैं, भला इतना दूध तोल दिया ये इसी की माँ होगी, ये हो गया भाई ने बिल्कुल क्लियर, ये भैंस का दूध इसी चीज के लिए तुलवाया था कि उसकी माँ का दूध नहीं। एक झोटड़ी तू लेकर गया था ना, दौरा में ले आया था, वहाँ खरीदी शुरुआत से बच्चा मर गया था, तो कई भैया ने कही भी दूसरा बच्चा लेके दे दे, मैंने जबकि उसका नीचे भैंस की तो बहुत बड़ी बात, बच्चा ही ना ला के दिया। बिल्कुल, तो बोलिए कौन कर दे, किसी ने बगैर बच्चे ही मैं बेची थी, वो दाना डाल के दूध दे देती थी मेरे पास 10-1 किलो 11 किलो सेट कर लिया। हाँ सेट कर, कई भैया ने कहा भाई ले जाएंगे इसने दूसरा बच्चा लिया के 1-3 हजार में ला दे, वो काम भी ना करा तो भैंस की कितना झूठ बोलो दामन, बच्चा आएगी ना बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, झूठ तो एक गलत है, दो दिन बाद सुपर आओगी जी जी। एक बार मोबाइल नंबर फिर से रिप्लाई कर दो, 8683002014 8683002014 ये देखो जी, ये इस बुल की, रुद्रा बुल की कंप्लीट डिटेल है। जब नेशनल चैंपियन हुआ तो ऊपर आप देख पा रहे हैं गाँव के जो साथ थे, इधर ट्रॉफी वगैरह मान सम्मान जो मिला। नीचे आप मंजीत भाई जब नेशनल चैंपियन हुए तो उस टाइम पे देखिए राकाडोब जो बुल है मोनू भाई वो भी साथ थे और एक हौसला अफजाई किया। ये नीचे देखिए मोबाइल नंबर एड्रेस सब चीज़ें जो है, मंजीत काद्यान भाई का पूरा नाम है, रुद्रा बुल गांव बागपुर। उधर देखिए जी आशीष बागपुर भी, जब ये विनर हुए सभी भाइयों ने साथ में जो है गाँव का नाम हुआ तो सभी ने इंजॉय किया इधर। और ऐसे ही एक दूसरे बुल पालक जो अगर साथ देंगे तभी जो है मैं कहूँगा अच्छे अच्छे बुल तैयार होंगे। और सारी मेहनत है जी मंजीत भाई की, जो माता जी हैं इधर देखिए वो, बाकी ये कैमरे के सामने। तो अपा ने मंजीत भाई, मंजीत बागपुर से हैं जो उनके यहाँ पे रुद्रा बुल वाले की जो वीडियो कवर की है इसमें कंप्लीट भाई के पशु जो बाकी के हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पशु रखते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। अपना प्रयास एक आम पशुपालक को सामने लेके आना है, क्योंकि खास जो होते हैं उनको तो सभी आगे लेके आते हैं। इन्होंने मेहनत की है, इनका अधिकार है कैमरे के सामने आना, पब्लिक को पता लगे कि मंजीत भाई ने मेहनत की है। अच्छे अच्छे पशु रखे हैं जी। सबसे बुढ़ी भैंस मेरा हिसाब में हरियाणा है, मैं सबसे बुढ़ी भैंस पाओगी जी। 23 साल उम्र होगी इसका, मुंह के दांत देखो, दांत भी घिस गए बेचारी। 23 साल उम्र होगी, आज भी दूध दे रही है ये। अच्छा, तीसरा साल इसने ब्याह होने लग गया, ये लगा लो 2 साल 7 महीने हो गए इसने ब्याह हुए जी जी। अब इसने नहीं कराते, देखो दांत भी घिस गए बेचारी, ये देखो जी। फिर जैसे अपना रुद्रा जो बुल है हाँ। उसकी ब्लड लाइन यही है ना जी, उसकी अलग अलग है हाँ। ये नहीं कि ज्यादा दूध की नहीं थी हाँ। 13-14 किलो की। अच्छा अच्छा, लेकिन शरीर भी इतनी थी, जितनी बार भी ब्याही ब्याते ब्याते दूध दे दिया करते। हाँ, बड़े बूढ़े पहले कहते थे ना ठंडी भैंस है, इसको तो बेचेंगे ही नहीं। सारी बार की कटिया वो बैठी ना जो पीछे, वो उधर नीचे पीछे बैठी है, 19वीं बार की कटिया इस भैंस की। आज भी ये 3 किलो दूध देती है भाई साहब, एक देती है एक टाइम, लेकिन फैट आज भी इसकी 100 से ऊपर। मंजीत भाई कितने बच्चे लिए आपने इससे? इससे 19 बच्चे लिए। 19 बच्चे, भैंस बेची भी होंगी कटड़ी, कितने रुपए कमा लिए होंगे एक भैंस? भाई ये चीज तो कदे दिमाग में ना ही पर या अड़े मरेगी अड़े। अच्छा, वापस आ रहेगी इस, मतलब ये आपकी नॉलेज में देखिए तो काउंटिंग की नहीं, अनंत इसकी जो कमाई सारी। ज्यादातर कटिया दी है, काटले तो सिर्फ इसने 2 दिए थे। अच्छा, 17 कटिया। बस एक दिक्कत थी तो ये थी भाई, थोड़ी हल्की कद काठी की थी ये, लेकिन शुद्ध ही बहुत थी। पर पहले ऐसे ही रखते थे, 12-14 किलो में संतुष्ट थे और तगड़े तगड़े हट्टे कट्टे होते थे। मसला क्या करती ना, जब 14 किलो में था नाम ले रही थी इसकी मुर्की रही, ये टैग डला हुआ है। तो देखो जी, बहुत पुराना खरना भाई के पास है, पहले 12-14 किलो वाले पहलवान होते थे, वो इसी कारण होते थे, यही था जी, पैंट वगैरह अच्छी होती थी। भाई बचिया है जी, ये हरियाणा नस्ल की दुनिया
गावड़िया का लाठी मार मारता दे है, हमने गाल मांड दी बांध दी थी। अच्छा वैसे छोटी ही न लेकर आया था, कुत्ता जोड़ दिया, बेसारा घूमती हुई बच्चिया को सारा दिया था। और आज 3 साल पहले बांध दी थी, जनवरी का महीना था, बरसात आ रही थी, ठंड में थी, मैं लिया आया था। उस दिन के बाद ये घर तक बाहर भी नहीं गई है, पहली बार मैंने 14 किलो दूध दिया था। तो वो तो आपने इसको नस्ल का भी ना बेरा, हमने तो सिर्फ वो बेसारा को सारा दिया और इसने आपको फिर उसका बदला तो देना ही था 14 किलो दूध। कुछ नहीं, इतनी सुध दिया बगैर नैना का धार काट दिया। ये देखो जी, वाह जी वाह, इसके नीचा का लग रहा है, इसने कोई मतलब को ना मेरा। इसीलिए गौ माता बोलते हैं कि इसने जी 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 दूसरी बार ब्याएगी। ये इधर कटड़ी वगैरह दिखाएं बेचने की है वैसे, वह 4 महीने की प्रेग्नेंट है, चेक पास, ये नीचे बैठी, ब्याने के बाद ही बेचूंगा। तीनों गाबण है। अच्छा, तीनों कटड़ी वो 1.5 महीने की है, ये 2 महीने की है, अभी चेक करवा। वो भैंस, वो भैंस 18 किलो दूध में बता रहा था, हर बार 17-18 इतना दे है, 1.5 किलो घी खड़का, 1.5 किलो डेली का, डेली का नूनी घी जी, तुया तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 1.5 किलो भी थोड़ा नहीं होता जी, वो सब अपना घी घी खाकर रख रखे जी जी। 3 बच्चे उसने दे लिए जी। ठीक है तो जी, बहुत अच्छी मेहनत भाई ने की, और सबसे बड़ी मेहनत तो आपको मैं दिखाऊं तो ये है जी, ये देखो, ये इतनी बार बच्चा लेना और फिर भी स्लेटर हाउस में दे देते हैं, लेकिन भाई ने ये कहा कि प्राण यहीं देगी, ये इसने कुछ दिया उसकी वफादारी ये भी वापिस उगता करेंगे अपने घर ही, जो है ये अपने जो प्राण छोड़ देगी। मेरी उम्र 40 साल हुई है, मारा के बराबर की लाले, पशु इतना किसका जीव है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संभाल आज भी वह बेशक दूध कम दे है, या एक टाइम दे है, जो और पशु खाएंगे इसका जो जी करेगा उड़ा खड़ी होगी, कोई बात नहीं करेगा जी जी। तो ठीक है जी पशुपालक साथियों, वीडियो कैसी लगी, भाई की मेहनत को जो है अपनी ओर से तो फुल सलूट है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता। बाकी अपना प्रयास आपको पशु दिखाने का, पशुपालकों से मिलवाने का रहता है, उस प्रयास में आज गांव बागपुर की इस जो है रुद्रा बुल वाले फार्म पे पहुंचे, भाई के पशु दिखाए जी, पशु सारे ही शरीफ हैं, आप पशुओं से अटैच ज़्यादा हो, वो कटड़ी भी आपके साथ ही घूम रही थी। तो आप भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और जो है फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी।